तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम जिसको हम ये कह रहे थे कि ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को, आई होप आपको याद होगा। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हमने ये माना कि हमारे पास एक बफर है, ठीक है, बफर की साइज कितनी है, एन है, ठीक है, बफर की साइज एन है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली बफर में जितने स्लॉट्स भरे हुए हैं वो जीरो हैं और इसमें नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स इनिशियली आर एन, अगर एन साइज का बफर है तो। कैन आई से दिस, वन ऑफ यू कैन अनम्यूट एंड प्लीज टेल मी, फिर से मैं बता देता हूँ फिर आप मुझे बताइएगा। एन स्लॉट्स हैं टोटल हमारे बफर में, बाउंडेड बफर है ना ये, जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें फुल स्लॉट्स जीरो हैं और एम्प्टी स्लॉट्स एन है इनिशियली, समझ पा रहे हैं आप इस बात को, यस और नो? बाउंडेड बफर या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम, हमारे पास एक लिमिटेड साइज का बफर है, प्रोड्यूस्ड आइटम को हम इस पे रखेंगे बफर्स पे, और कंज्यूमर प्रोसेस जो है वो इसी बफर से आइटम्स को पिक करेगा। तो जो बफर हमारा उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होगी ना, तो अगर हमने माना कि बफर की कैपेसिटी एन है, एन आइटम मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं, तो इनिशियली इसमें फुल नंबर ऑफ या जो फुल फिल्ड स्लॉट होंगे वो जीरो होंगे और एम्प्टी स्लॉट्स एन होंगे। जब कोई एक आइटम प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए कि एक आइटम प्रोड्यूस हुआ, तो फुल की वैल्यू जीरो से वन हो जाएगी और एम्प्टी की वैल्यू एन माइनस वन हो जाएगी। एक और आइटम अगर आ गया तो फुल की वैल्यू टू होगा और एम्प्टी की वैल्यू एन माइनस टू हो जाएगी। अगर कोई आइटम कंज्यूम हो गया, ठीक है, अगर मान ली कोई आइटम कंज्यूम हुआ, कंज्यूम होने के बाद फुल की वैल्यू एक कम हो जाएगी और एम्प्टी की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी। सो दिस वे दी स्लॉट्स आर फिल्ड और उसके अकॉर्डिंग हम दो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वेरिएबल बनाना चाहते हैं, एक फुल है और एक एम्प्टी। साथ ही साथ एक्सेस टू द बफर, एक्सेस टू दी बफर, ये हम चाहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम आइटम प्रोड्यूस कर रहा है तो कंज्यूमर अभी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो प्रोड्यूसर प्रॉब्लम प्रोड्यूस करने के बाद बफर में आइटम जब रख लेगा तब कंज्यूमर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हम साइमल्टेनियस अलाउ नहीं कर सकते। कंज्यूमर कर रहा है तो प्रोड्यूसर वेट करेगा, प्रोड्यूसर कर रहा है तो कंज्यूमर वेट करेगा। तो ये हमारा बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है जिसमें कि एक्सेस टू द बफर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट्स व्हाट आवर टास्क इज और डिमांड इज। तो व्हाट हैपेंस इन द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम कि यहाँ पे हमने ये जो प्रोसेस लिखा वो प्रोड्यूसर प्रोसेस का है। प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है हमारा वो ये चेक करेगा कि अगर मेरे पास कुछ एम्प्टी स्लॉट्स हैं तभी वो आइटम प्रोड्यूस करेगा और तभी आइटम प्रोड्यूस करके इस बफर में रखेगा, अदरवाइज बफर में नहीं रखेगा। तो एम्प्टी अगर जीरो है तो आइटम प्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारे पास स्लॉट ही नहीं है, लेकिन एम्प्टी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारा आइटम प्रोड्यूस करके इसमें रखा जा सकता है। तो हमने वेट एम्प्टी लिखा, अगर एम्प्टी अगर जो नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स हैं वो जीरो हैं तो हम वेट ही करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर में एम्प्टी स्लॉट्स हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और एक्सेस टू द बफर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करने के लिए म्यूटेक्स वेरिएबल पे वेट लगा देते हैं। म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियली वन इनिशियलाइज है, इसको हम जीरो करके क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्या है कि प्रोड्यूस आइटम को बफर में रखना, जो भी आइटम आपने प्रोड्यूस किया उसको बफर में रख दीजिए। बफर में रखने के बाद ये जो म्यूटेक्स जिसको आपने वन से जीरो किया था क्योंकि आपका बफर का काम फिनिश हो गया, इसको जीरो से वन कर सिग्नल म्यूटेक्स करके। ओके, अच्छा, अगर आप आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं और पहले नंबर ऑफ फिल्ड स्लॉट्स 6 थे, एक आइटम प्रोड्यूस करने से नंबर ऑफ फिल्ड स्लॉट 7 हो जाएंगे, इसलिए सिग्नल फुल। सिग्नल फुल का क्या मतलब है कि जो भी फुल वेरिएबल की संख्या अभी है उसको एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। सिग्नल का मतलब तो यही होता है ना कि एस प्लस प्लस, तो अगर फुल फिल्ड नंबर ऑफ स्लॉट एन सॉरी एक्स है तो एक्स प्लस वन कर दीजिए इसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज दी प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। आई वंस अगेन रिपीट दिस वेरी वेरी क्विकली, व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, दैट देर इज अ प्रोसेस दैट वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस एन आइटम एंड पुट इट इन द बफर।
तो उससे पहले वो चेक करेगा कि कुछ एम्प्टी स्लॉट्स हैं, तभी तो वो प्रोड्यूस करके आइटम रखेगा। अगर पॉजिटिव नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट है तो उसके बाद फिर एक्सेस टू दी बफर इज गोइंग टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए हमने म्यूटेक्स वेरिएबल लगाया, इसकी वैल्यू को 1 से 0 कर दिया ताकि और कोई प्रोसेस बफर को एक्सेस ना कर पाए। तो जैसे एक आइटम प्रोड्यूस करके हम बफर पे रख देंगे तो म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 से 1 कर देंगे ताकि दूसरा प्रोसेस अब हमने अलाउ कर दिया, अब कोई और कंज्यूमर प्रोसेस है तो वो अपने इस काम को कर ले, एक्टिविटी को कर ले। नाउ उसके बाद हम सिग्नल फुल कर रहे हैं, अगर फिल नंबर ऑफ स्लॉट पहले एक्स थे तो अब हम उसको x+1 कर, तो दिस इज द प्रोड्यूसर प्रोसेस। व्हाट विल हैपन इन द कंज्यूमर प्रोसेस? कंज्यूमर प्रोसेस क्या करेगा? कंज्यूमर प्रोसेस ये देखेगा कि ये जो स्लॉट्स हैं इसमें फुल नंबर ऑफ स्लॉट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी आइटम नहीं है, लेकिन फुल नंबर ऑफ स्लॉट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि इसमें कुछ आइटम है। तो कंजम्पशन तो तब किया जाएगा ना जबकि फुल विल बी ग्रेटर देन 0, सो वेट फुल, वेट करना। फुल अगर 0 है तो वेट करना है, फुल अगर पॉजिटिव है तो आगे बढ़े हम। एक्सेस टू द बफर इज गोइंग टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए रिमूव एन आइटम फ्रॉम द बफर। बफर से एक आइटम हमने रिमूव कर लिया और रिमूव करने के बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने 1 से 0 किया था उसको हम 0 से 1 कर देते ताकि दूसरा प्रोसेस बफर को एक्सेस कर सके। अच्छा, अगर हमने एक आइटम को कंज्यूम कर लिया और पहले नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स लेट से 6 थे, नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स पहले फुल 6 थे और एक आइटम हमने कंज्यूम कर लिया, तो निश्चित रूप से एम्प्टी की स्लॉट्स की जो संख्या है वो एक बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी, इसीलिए सिग्नल एम्प्टी, नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स हैव बीन इंक्रीज बाय 1। ओके, आइटम को कंज्यूम कर लीजिए और फिनिश कर दीजिए अपने प्रोसेस को। सो दिस इज दी कंज्यूमर प्रोसेस। सो वी हैव डिस्कस दी प्रोड्यूसर प्रोसेस एंड वी हैव डिस्कस दी कंज्यूमर।